Hello and welcome back to the channel. Welcome back to Gamer Khan. You know, this is the moment you guys have been waiting for, the setup too. I know 1k ko ke bahut time ho gaya, but der hai durust hai. So let's get to the setup. Okay, so let's start from the monitor. The monitor which you see is a 24-inch 144Hz display जो कि LG का वन ऑफ द फर्स्ट गेमिंग मॉनिटर है. तो ये इसके बाद ये लोग ने अल्ट्रा गियर चालू किया, बट द फर्स्ट गेमिंग मॉनिटर व्हिच आई बॉट इज दिस. और इफ यू वांट टू नो द व्हिच मॉडल नंबर इज दिस, वो नीचे तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड देन द सेकंड डिस्प्ले व्हिच यू सी, ये डेल का ऑफिस मॉनिटर है. सो इफ यू नो स्ट्रीमर के लिए इट्स इंपॉर्टेंट टू लुक एट द चैट वाइल प्लेइंग, सो वो एक स्ट्रीमिंग के लिए बेसिकली मैंने रख दिया है फॉर द चैट. ऑन टॉप ऑफ दैट, वो मॉनिटर के ऊपर एक कैमरा रखा हुआ है, दैट इज Logitech C270 720 pixels का कैमरा है, जस्ट यूज फॉर स्ट्रीमिंग. एज यू कैन सी, मेरे डेस्क पे Logitech के कीबोर्ड एंड माउस है. मैं Logitech का बहुत बड़ा फैन हूँ पेरिफेरल्स के मामले में. ये जो मैकेनिकल कीबोर्ड है, दिस इज Logitech G413, जो कि आई गेस द लोअर एंड मैकेनिकल कीबोर्ड है Logitech का, बट वेरी रिलायबल. बहुत साल से, 2.5 साल हो गए यूज़ करते करते, इट्स वर्किंग ग्रेट. और माउस की तो बात करता ही हूँ मैं, मैंने बहुत सारे माउस यूज़ करके देख लिए गेमिंग माइस, मगर Logitech G102 जैसा कुछ भी नहीं है. सस्ता, सुंदर, टिकाऊ और लाइट वेट, जैसा मेरे को पसंद है. सो एज यू कैन सी CPU के अंदर, आई स्टार्ट विद द मदरबोर्ड. जो मदरबोर्ड देख रहे हो वो है Z390 MSI गेमिंग प्लस. वो 9 जनरेशन को सपोर्ट करने के लिए बेसिकली, अप टिल द i9 तुम्हारा जो आया था, उसमें मैंने i5 9 Gen 9600 KF फिट किया प्रोसेसर. KF मींस विदाउट द GPU, ग्राफिक्स नहीं है वो CPU में. यू कैन गेट द ग्राफिक एल्सवेयर तुम्हारे ग्राफिक कार्ड से. कूलिंग सिस्टम यू सी ऑन दैट है, वो है तुम्हारा कूलर मास्टर 414, जो कि वो लगाने के बाद मेरे से कभी नीड नहीं रही कि मैं एक लिक्विड कूलेंट के लिए ऑप्ट करूँ. लाइक मैं जब भी CPU बना रहा था तभी लिक्विड कूलेंट वॉजन, मतलब ऐसा हर PC में नहीं आता था, इट इज़ लाइक एलिट. अभी सब PC में आता है. एंड द पंप फैंस विच यू सी फ्रंट पैनल पे, फ्रंट में से एयर लेके पूरा बैक तक एयर फ्लो करते हैं. सो दैट इज जस्ट द कूलिंग सिस्टम ऑफ माई CPU. ओके, सो द रैम यू सी ओवर हियर, ये दो स्टिक्स है 8GB के Corsair Vengeance. As you can see, एक में LED है, एक में LED नहीं है. सो यू नो बहुत नीड में था मैं, पहले मेरे पास सिर्फ एक स्टिक था 8GB का. देन 2020 लॉकडाउन हो गया, सब कुछ कोविड एंड ऑल अराउंड द ग्लोब सब कुछ बंद. फिर उसके बाद मैंने ऑनलाइन अमेजोन से किसी तरह ऑर्डर किया जब मैं कुछ नहीं मिल रहा था, बट दोनों का जो क्लॉक स्पीड है वो सेम है, इसलिए ऐसा ही है. एंड द GPU विच यू सी वो है AMD Vega 56. अगर इसको तुम कोरिलेट कंपेयर करना चाहते हो तो तुम RTX 2060 से कर सकते हो उसको. सो दिस इज़ ऑल आई कैन एक्सप्लेन अबाउट माई सेटअप. अगर तुम लोग को टेक्निकल चीज़ों में इतना इंटरेस्ट है, सो आई विल से गो फॉलो थिंक टेक. यू हैव प्रॉब्ली सीन मी ऑन एज वीडियो जो PS5 के लिए शूट किया था, एंड देन ये वीडियो में उसने मेरे को हेल्प किया. गो सब्सक्राइब टू हिम एंड लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, एंड लेट्स मूव ऑन. ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द फ्रेम, जैसा तुम लोग हमेशा देखते हो मेरे को. And this is all the setup that I had. फिलहाल तो I haven't upgraded my PC yet. जब 2017 से लेके अभी तक बहुत छोटे मोटे अपग्रेड है. नेक्स्ट टाइम अपग्रेड करूँगा तो नया वीडियो बना दूंगा एंड नया माइल स्टोन बना देते हैं. यू नो अभी एक करते हैं 2K पे पूरा हाउस टूर. मैंने बोल तो दिया, लेट्स गेट देयर, और 2K पे पूरा हाउस टूर करते हैं. आई सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में. लाइक करो, कॉमेंट करो, सब्सक्राइब करो. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय.